तो बच्चों मुझे ये बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इतना एंड हाइट इतना। पहले वाले का रेडियस इतना है और हाइट इतना है, दूसरे वाले का रेडियस इतना और हाइट इतना है। तो मैं यहाँ पर इसको पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पर के लिए। तो रेडियस मेरे पे यहाँ पे 6 है, हाइट मेरे पे यहाँ 7 है, इस वाले पे रेडियस मेरे पे 3.5 है और हाइट मेरे पे 12 है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लिख लेना, ये मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा अब वॉल्यूम लिखा, तो वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, वॉल्यूम सिलेंडर का। तो और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो बस, तो अब देखो 1/3 पाई है 22/7 इंटू आर है मेरे पे 6 × 6 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 × 6। तो बच्चों अगर मैं 66 × 6 करता हूँ तो मेरे पे कितना आने वाला है बच्चों, वो आ जाएगा मेरे पे 264 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब होगा, है ना, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा पहला वाला आंसर आ गया। सेकंड वाला आंसर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर भी बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है बच्चों 3.5 × 3.5 × हाइट है मेरे पे 12। अब 3.5 हटाओ, यहाँ नीचे 100 लगा दो सिंपल, तो 7 5 जा 35, ठीक है, और 3 4 जा 12, ठीक है, ओके जी। तो ये हो गया बच्चों कितना, 5 4 जा 20, 20 × 22/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये 2 से 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, अच्छा यहाँ पे तो ये 35 भी तो था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, 35 भी है, ठीक है। अब 5 5 5 25 30 जा 35, 7 जा 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 जो 14, 70 14 और 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये भी मेरे पे आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो काफ़ी इजी हो गए। तो अब करते हैं बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन।